ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ಸಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಟ್ರಾಮಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುವಂತ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಇದರ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿದ್ರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಐ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ದೆಮ್ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಹೀಂ ಯಹಾಂ ಪೆ ಮೈ ಯಹೀ ಬೋಲ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ ಕಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮೇ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ಮಿಲ್ ಜುಲ್ ಕೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಔರ್ ಹಮಾರಾ ಏಕ್ ಹೀ ಮಕ್ಸದ್ ಹೈ ಕಿ ಜ್ಯಾದಾ ಸೇ ಜ್ಯಾದಾ ಫಾಯ್ದಾ ಲೋಗೋ ಕೋ ಹೋನಾ ಔರ್ ಉನ್ಕಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಹೋನಾ और उनका प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। आज 17 अक्टूबर वर्ल्ड ट्रामा डे के मौके पे यूनाइटेड हॉस्पिटल में एक अवेयरनेस कैंपेन ऑर्गेनाइज किया गया था। ये अवेयरनेस कैंपेन प्राइमरीली एक एक्सीडेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के विक्टिम और दूसरे दूसरे तरह से इंजरी हुए सो विक्टिम को इनिशियली क्या क्या ट्रीटमेंट हम फर्स्ट एड देना स्पॉट पर हम क्या क्या एक्शन लेना और उसको हॉस्पिटल पहुँचाने तक जो केयर है उसको हम प्री हॉस्पिटल केयर बोलते हैं। ऊपरी हॉस्पिटल केयर में तमाम आवाम का रोल है, आवाम के एक एक मेंबर का इसमें रोल है और उसमें खास करके आज जो हम ऑर्गेनाइज़ करें हमारे जो सोसाइटी में जो लॉ एंड ऑर्डर और रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक इन सारी चीज़ों के जो मेन लीडरशिप देने वाली पुलिस डिपार्टमेंट है उस कलबुर्गी जिला पुलिस डिपार्टमेंट को और कलबुर्गी सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट को उनके नेतृत्व में ये एक अवेयरनेस कैंपेन आज ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें इंटेंसिविस्ट डॉक्टर्स डॉक्टर लियाकत अली डॉक्टर सुदर्शन लाखे और डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल बशीर ट्रामा सर्जन तमाम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन दिया। उसमें क्या क्या हमको करना चाहिए स्पॉट पर कैसा कैसा हम फर्स्ट एड देना हम पेशेंट शिफ्टिंग के वक्त क्या क्या एहतियात बरतना और पेशेंट को इमीडिएट क्या लाइफ सेविंग के लिए रोड साइड हम क्या कर सकते हैं एज़ कॉमन पर्सन एज़ कॉमन सिटीज़न ऑफ द कंट्री तो वो सारे चीज़ों के बारे में उनको तमाम मालूम दिया गया और इसी के चलते और CPR का एक ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग भी यूनाइटेड हॉस्पिटल की तरफ से हम आगे भी करते रहेंगे जिसमें सारे कॉलेज स्टूडेंट्स सारे सोशल वर्कर्स मोहल्ला लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल और सिटी लेवल पे जो सोशल वर्कर्स है उनको भी हम तमाम ये ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं ताकि एक एक्सीडेंट विक्टिम या ट्रॉमा विक्टिम का जान बचाने में हर एक का रोल हम अदा कर सकें हमारा रोल हम एकदम टेक्निकली साउंड तरीके से हम उनकी मदद कर सकें मदद करने की इंटेंशन हम सबकी रहती है लेकिन उसके लिए थोड़ा बेसिक टेक्निकल नॉलेज भी ज़रूरी है।